हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी 2020 का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो उसमें एक यहाँ पे आइकन मुझे दिखा है, व्यू पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक नया पेज ओपन हो रहा है हमारी स्क्रीन पे। इसमें क्या लिखा है कि नेम कोड एंड इंस्टीट्यूट, मतलब जितने भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स है ऑलमोस्ट यहाँ पे डाले हैं इन लोगों ने 110 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उन सब की डिटेल्स, उनका नाम, उनके कोड, उनका एड्रेस, देन उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड और डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जैसे कि अगर हम पहला ही देखें तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, देन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। सी, तो यहाँ पे बॉम्बे है, उस पे मैं जाता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे व्यू डिटेल्स में मैं व्यू करता हूँ, ठीक है। तो क्या ओपन होता है वो भी हम देखते हैं। तो ये ओपन हो गया है व्यू डिटेल्स वाला पेज, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें तो आपको पहले इंस्टीट्यूट के बारे में बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है, फ़ोन नंबर, एड्रेस कहाँ है, पवई मुंबई, सबको पता है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें लिखी गई है कि 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड मैनी मोर थिंग्स, 60+ ईयर एक्सपीरियंस और इंजीनियरिंग, साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स है। NIRF एंड QS रैंकिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं काफ़ी, जो अब आफ्टर JEE की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो उसके बारे में, रैंकिंग्स के बारे में लिखा है, देन BTech ड्यूअल डिग्री और MTech कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कि और फी स्ट्रक्चर है ये पूरा, कि एडमिशन फ़ी देखो ये पूरा आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो थोड़ा और जूम इन कर लिया मैंने। एडमिशन फ़ी, ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट फ़ी और अदर फीस, पर सेमेस्टर फ़ी, देखो ये ट्यूशन फ़ीस लिखा हुआ है, ठीक है। देन ये टोटल, मतलब आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे पूरा का पूरा ग्रांट टोटल ABC आपका हो रहा है 125,850, मतलब कि 1,25,000 रुपये के आसपास, वो इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। और फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है 3,25,000 के आसपास। तो ये है ट्यूशन फी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट जस्ट IIT बॉम्बे। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे और अदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, वही एकेडमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ से वो लोग क्या करते हैं। आप चाहो तो पूरा आप आराम से जाके पढ़ सकते हो। BTech ड्यूअल डिग्री और BS भी प्रोवाइड करते हैं ये लोग। उसके बारे में और रूल फॉर चेंज इन ब्रांच, मतलब अप टू अ सर्टेन, आफ्टर अ सर्टेन कॉलेज, मतलब कि थर्ड सेमेस्टर में 1 साल कंप्लीट होने के बाद यू कैन चेंज द ब्रांच, तो उसके रूल्स क्या क्या है वो भी लिखे हुए हैं, ठीक है। वो सब मैं यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है, फैकल्टीज़ कौन सी है, फैसिलिटीज़ कौन सी है, ठीक है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टूडेंट लाइफ इंस्टीट्यूट, कितना बड़ा हमारा कैंपस है, 550 एकड़ का यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा डिटेल्स। देन वी हैव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्री एंड एल्यूमिना रिलेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब ऑलमोस्ट हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूरी पड़ेगी कॉलेज के बारे में जानने के लिए वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी भी देखा, शायद तक ये ऑप्शन अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, बहुत पहले जब हमने देखा था तब शायद तक नहीं था, या अगर होगा तो मेरे से छूट गया होगा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी भी हमारे पास दिन है, ठीक है, 15 तारीख के 5 बजे तक का हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो हम अभी भी अपना कॉलेज अपडेट कर सकते हैं, ये पूरा देखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं आएगा। आप सारी अच्छी अच्छी कॉलेजेस, वो सबको पता है, सबको पता है IIT बॉम्बे अच्छी है, लेकिन आप इसका कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबको बहुत ज़्यादा डाउट होता है, लेट्स से IIT, ओके ओके ओके, IIT रुड़की, गुवाहाटी, भिलाई, IIT भिलाई के बारे में, बहुत बहुत पुरानी भी नहीं है, बहुत मतलब नई कॉलेज है। तो उस पर मैंने क्लिक किया, उसमें मैं व्यू चला गया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या है जो नए IIT, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, ऐसी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अच्छे से मिल जाएगी। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो ये IIT भिलाई की पेज में आ गया, उनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, कहाँ है छत्तीसगढ़ और ये सब, ठीक है। और सारी की सारी चीज़ें जो फीस स्ट्रक्चर है वो सब कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, आप जाके पूरा का पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स, सारी की सारी चीज़ें, हर एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसी तरह से अगर हम NIT की बात करें, लोगों को IIITs के रिलेटेड बहुत डाउट होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे NIT हमीरपुर जी, ये ऐसी कॉलेजेस है, कई कॉलेजेस हमें पता है कि यार ये इतनी अच्छी नहीं है, कई हमें श्योरिटी से पता है 25-30 कॉलेज कि नहीं ये बहुत एक नंबर है, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन कई कॉलेजेस के बारे में हम मिडल में रहते हैं कि यार ये जाऊँ ना जाऊँ। तो इन सब कॉलेजेस के बारे में लीगल डिटेल्स
जो फेक नहीं है, मतलब 100% श्योरिटी वाली डिटेल्स यहाँ पे आपको जरूर से मिल जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपकी वो 5-10-15 कॉलेजेस है उनके बारे में जाओ, यहाँ पे जाओ ये साइट पे, यहाँ पे सर्च करो और अच्छे से उसका रिव्यू करो, ठीक है। चॉइस फिलिंग में अभी हमारे पास टाइम है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल अगेन कि आप जरूर से इन सबको विजिट करिएगा। हमारे पास अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि चॉइस फिलिंग का टाइम है हमारे पास 15 अक्टूबर 5 बजे तक का, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है। तो जो डाउट वाला पोर्शन है आपका उसे जरूर क्लियर करो। मैंने बताया था कि मॉक एनालिसिस को कैसे रिव्यू करना है, मॉक अलॉटमेंट को कैसे रिव्यू करना है, उस पे से कैसे हमें चेंजेस अपडेट करने हैं, वो भी जरूर से आप देखना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो जरूर से मुझे आप कमेंट करना, या फिर आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस road2iit12@gmail.com उस पर ईमेल भी कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आओ जरूर से लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।